हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ रियल नंबर। तो एक एक चैप्टर देखेंगे और इस चैप्टर के एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली रियल नंबर आप लोग क्लास 8th और 9th में पढ़ ही चुके होंगे, तो इसको ना बात करते हुए सीधा इसके मैथड पर, कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहाँ पर एक थ्योरम है जहाँ पर हमें क्वेश्चंस इसी से एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चंस लगाने होंगे। तो इक्वल डिवीजन लेमा, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कराना होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, क्या थ्योरम है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है थ्योरम इनका, गिवन द पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाई ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन बी, बी जो है ग्रेटर है आर से, आर जो ग्रेटर है या इक्वल है 0 के बराबर। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो हमारा इक्वल डिवीजन लेमा है वो क्या कहता है, उसको आपको हम क्लियर कराते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला है इनका, डिवीजन लेमा, या इसको थ्योरम भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ फार्मूले लिखते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और यहाँ पे जो कंडीशंस दिया गया है, इसकी इक्वलिटी दिया गया है, जीरो इज लेस देन आर, इज आर इज लेस देन बी, तो ये कंडीशन दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए ये फार्मूले वर्क कैसे करेगा और किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट काम करेगा क्वेश्चंस पे। सपोज कर लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारे दो नंबर हैं, सपोज कर लीजिए एक 17 और एक 6, दो नंबर लिया, ठीक है। बड़े नंबर को हमेशा क्या मानेंगे आप, ए, और छोटे नंबर को क्या मानेंगे, बी। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो गया। अब क्या होगा, जो बड़ा नंबर है क्या करेंगे, उसमें भाग देंगे। जैसे बड़ा नंबर ये है कि 17 और 6 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। देखिए, जब 6 से भाग देंगे 6 दुनी 12, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5। अब देखिए ये रिमाइंडर इसका क्या है, हमारा रिमाइंडर है 5 और ये हमारा जो भाग गया है वो कितना है, 2। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टेंट है वो है 6, ठीक है। तो b जो है कॉन्स्टेंट है, यानी b ऑलवेज भी ग्रेटर होगा r से। हमेशा जो भाग देते हो और जो शेष फल बचता है, तो भाग देने वाला जो हमारा कोफिशेंट है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसीलिए यहाँ पे दर्शाया गया है इस कंडीशंस में, ठीक है, b ऑलवेज भी ग्रेटर देन r। r जो होगा वो 0 भी हो सकता है या फिर कुछ नंबर्स भी हो सकता है, मतलब ग्रेटर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है। तो ए बी दो नंबर्स हैं और हमारा क्यू जो है, हम जो यहाँ बी जो है हमारा जो भाग दे रहे हैं वो है, आर जो हमारा बचा हुआ या रिमाइंडर है वो है, ठीक है। तो ये ध्यान देना होगा आपको। तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ए क्या है हमारा 17, यहाँ पे लिखेंगे 17 इक्वल टू बी क्या है हमारा, बी जो है वो है 6, क्या है 6। अब मल्टीप्लाई बाई क्यू, क्यू कितनी बार भाग गया है वो है, ठीक है। और यहाँ पे r रिमाइंडर जो बचा है वो है 5। तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे तो इस जनरल फॉर्म में आ गया जो हमारा फार्मूला है इक्वल डिवीजन लेमा। तो 17 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5। तो यहाँ पे a हमारा 17 है, b और हमारा b है 6, q है हमारा 2 और r है हमारा 5। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा कि इस फार्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1, ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज। तो क्वेश्चंस आपको पहले का क्वेश्चन दिया गया है, यूज इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 और 225 का, ठीक है। एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसके मेथड से, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम, इसे एल्गोरिथम या लेमा थ्योरम्स जो भी कहते हैं, तो इस मेथड से आपको फाइंड आउट करना है इस फार्मूले के बेसिस पे।
तो चलिए क्वेश्चंस करूंगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा फर्स्ट है और जो नंबर दिए गए हैं 135 और क्या दिए गए हैं 225, ठीक है, ये दो नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होगा, 225 इज ग्रेटर देन कितना है 135, 225 बड़ा है किससे 135, तो ए हमारा क्या हो जाएगा 225, बी जो हो जाएगा 135 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब आपको यहाँ केस नंबर सेकंड अप्लाई करना होगा, वो फार्मूला अप्लाई करिए, इक्वल डिवीजन लेमा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब जब दो नंबर आपको मालूम हो गए हैं तो आप क्या करिए, भाग दीजिए। देखिए भाग का कंडीशन क्या होगा, अब देखिए जो बड़ा है उसमें छोटे से भाग दे दीजिए, 225 में 135 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए देते हैं, एक बार जाएगा तो 135, अब यहाँ पे माइनस कर लीजिए 0, 12 यहाँ पे चूँकि 2 है तो 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पे कुछ नहीं। अब देखिए, अब इस कंडीशंस में आपको लिखना होगा, ए क्या हमारा 225, बी क्या है 135, अब ये क्यू क्या है आपका, ठीक है। क्यू आपका जो बचा हुआ है यहाँ पे देखिए, जितनी बार भाग गया वो क्यू है, तो 1 बार भाग गया और आर हमारा क्या है रिमाइंडर 90, ठीक है, तो ये 90 आ गया, तो ये फॉलो हो गया। अब जब तक आपको क्या करना है, एस सी एफ फाइंड आउट करना है, जब तक रिमाइंडर यहाँ 0 ना होगा ये वाला कंडीशन आपको अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा बड़ा नंबर बचा है, अब 135 और 90 में कौन बड़ा है 135, तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे क्या, 135 इक्वल टू 90 और यहाँ पे छोड़ देंगे चूँकि आप भाग देंगे, यहाँ पे फिर से भाग दीजिए, 135 में 90 का भाग दीजिए तो एक बार जाएगा 90 और यहाँ 5, यहाँ पे 13 में से 9 गया 4, 45, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक बार भाग गया और इसका रिमाइंडर क्या आ गया 45। अब फिर वही अप्लाई करेंगे जब तक यहाँ रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तो यहाँ पे कौन बड़ा है 90 और 45 में 90, तो 90 इक्वल टू यहाँ पे 45 गुणे लिख लीजिए और यहाँ भाग दीजिए, 90 में 45 का भाग दे दीजिए, दो बार जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 90 और 0 आ गया, रिमाइंडर क्या हो गया 0 और भाग कितनी बार गया 2, तो यहाँ 0 आ गया। अब जो 0 के ऊपर वाली संख्या है वही क्या हो जाती है, एस सी एफ हो जाती है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि एस सी एफ इज 45, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, पहले दो नंबर्स आपको दिए गए थे, एस सी एफ फाइंड आउट करना था इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ पे हमने केस नंबर 1 लिखा कि 225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है, 225 जो है ग्रेटर है किससे 135, तो ए क्या हो गया 225, बी क्या हो गया 135, अब बड़े वाले नंबर में छोटे से भाग दे दीजिए और केस नंबर सेकेंड में एल्गोरिथम लगा दीजिए, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे ए क्या है 225, बी क्या है 135, अब कितनी बार भाग गया एक बार, ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचा 90, तो ये ध्यान में रखना है। फिर जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक चलते रहना है, इस तरीके से भाग देते रहना है। अब आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो उसके ऊपर वाली जो रिमाइंडर संख्या है वही क्या हो जाती है, उसकी एस सी एफ हो जाती है, यानी 45 क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट का सेकेंड, तो नंबर्स क्या दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं 196 और 38,220। सबसे पहले आप केस अप्लाई करेंगे क्या, केस नंबर 1 कि भैया 38,220 इज ग्रेटर देन 196। अब केस नंबर सेकंड क्या लिखेंगे, क्या एल्गोरिथम फार्मूला, तो यहाँ पे क्या फार्मूला होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है,
इतना हो गया। अब आपको मालूम हो गया जब बड़ा नंबर ये है तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो आप बड़े नंबर में छोटे से भाग दीजिए, तो 38,220 भाग देंगे किससे, 196। जब आप भाग देंगे तो अप्रॉक्सीमेट 195 आप दे के देख लेने, तो यहाँ पे आ जाएगा सेम जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बड़ा नंबर इधर 38,220 और बी आपका क्या है, 196, और कितनी बार गया है, 195, और रिमाइंडर क्या हो गया, 0। जब ऐसे केस में हो तो ये आपका जिससे भाग दे रहे हैं वही आपका क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। तो ये आपका आंसर 196 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 867 एंड 225, 867 867, और यहाँ पे दूसरा नंबर जो है 255। ठीक है, तो इसको बताना है थ्योरम से, देखिए कैसे लगता है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले केस नंबर वन लिखेंगे। केस नंबर वन क्या करेंगे, अब 867 225 में कौन बड़ा है, 867 इज ग्रेटर देन 255, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये और बी हो जाएगा ये। सेकेंड केस में आप लिखेंगे क्या, सेकेंड केस में लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा। चलिए देते हैं, 867 में 255 का भाग दीजिए, तो 2 चौक 8, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 3, चूँकि 55 भी है तो 4 बार हो जाएगा, 2 ऑलरेडी 200 हो जाएगा, तो 3 बार ले जाइए, तो यहाँ 3 5 15 3 5 15 116, 3 2 6 7, यहाँ पे माइनस कर दीजिए 201, चूँकि यहाँ 7 है तो 102 बचा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे दो, जो बड़ा नंबर है इधर ए, 867 इक्वल टू बी क्या है हमारा, 255, कितनी बार भाग गया, 3 बार, रिमाइंडर क्या बचा, 102। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे जो बड़ा नंबर है उसको आगे, यहाँ पे जो बी है उसको आगे और यह आर पीछे लिख देंगे, तो यहाँ पे 255 को आगे लिखिए और यहाँ पे 102 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे छोड़ दीजिए, अब भाग दीजिए तब पता चलेगा, तो 102 से भाग दीजिए 255 में, यहाँ कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ पे जब 2 बार जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0, 2 1 2, तो यहाँ पे क्या बचा, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे क्या हो गया, 5 और ये 0 हो गया। अब 51 आया, तो यहाँ पे जो कितनी बार भाग गया, 2 बार, और रिमाइंडर क्या बचा, 51। अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आप करते रहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बड़ा नंबर इसमें कौन है, 102 में, 51 में 102, तो 102 को आगे लिखिए इक्वल टू 51, अब क्या करेंगे, फिर से भाग देंगे, तो 102 में 51 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 102 हो जाएगा और 0 आ गया, तो कितनी बार गया, 2 बार, और रिमाइंडर क्या हो गया, 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसके ऊपर वाला जो हमारा वैल्यू है वो होगा उसका SCF, तो यानी कि जो SCF होगा, SCF जो होगा 51 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 867 में 255 में जो हमारा SCF आएगा वो होगा 51 होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस तीनों सॉल्व होंगे। पहले का तीसरा जो फाइंड आउट करना है हमको, यूज़ द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द SCF। ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ करना नहीं है आपको, मेथड वाइज चले जाना है, बस आपको ध्यान रखना है केस वन केस सेकंड आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले बड़ा नंबर पहचानिए, बड़ा नंबर जो होगा वो ए होगा, यहाँ पे 225 इज ग्रेटर देन 135, तो ए हमारा 225, बी क्या हो गया, 135। अब बड़े वाले नंबर्स में छोटे का भाग दे दीजिए। अब आपको केस नंबर सेकेंड में अप्लाई करना होगा क्या, इक्वल डिविजन लेमा का फार्मूला।
अब जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस करते रहना है, और जीरो आ जाए उसके ऊपर वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, एससीएफ होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट का तीनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर हमारी वीडियो वीडियो लेक्चर थोड़ी सी भी मतलब आपको मतलब सेटिस्फाई कराती है या फिर आपको हेल्प करती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम यहाँ पे एक एक चैप्टर के एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।